हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे किचन में। तो हम आपके लिए लेके आए एक नई रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं कलरफुल पास्ते। पास्ता बनाने के लिए हमने यहाँ एक ग्लास पानी ले लिया है, हाफ टी स्पून नमक ले लिया है। यहाँ पे हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे इसमें, ताकि हमारा पास्ता बिल्कुल ही खिला खिला रहे, चिपके नहीं। यहाँ पे अपना पास्ता धो लेंगे। पास्ता बनाने के लिए हमने एक कटोरी पास्ता लिया है, इसे हम धो लेंगे। यहाँ पे हम अपने गैस को ऑन कर दिए हैं। थोड़ा सा नमक मिक्स कर लेंगे, इसमें अपन पास्ता डालेंगे। यहाँ पे पास्ता डाल के हम थोड़ा सा चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हमारा कलरफुल पास्ता बन रहा है आज। यहाँ पे इसे हम थोड़ी देर ढक देंगे 5 मिनट के लिए। जब तक ये ढकेंगे, तब तक हम अपना टमाटर प्याज प्रोसेस तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 2 टमाटर, 4 हरी मिर्च, धनिया पत्ता। अब इसको हम चॉप करेंगे। जब तक हमारा पास्ता होगा, हमारा ये भी कट के तैयार हो जाएगा। तो हमारा यहाँ प्याज कट के तैयार है, हमने मसाले भी ले लिए हैं। अब अपना पास्ता दिखाते हैं आपको। हमारा पास्ता बिल्कुल ही खिला खिला हुआ है, एक भी पास्ता चिपका नहीं है। इसीलिए ऑयल डाला जाता है कि पास्ता चिपके नहीं। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं अपने दूसरे बर्तन में। पास्ते को हम निकाल लेंगे। जो बाकी का पानी है उसे हम फेंक देंगे, वो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे हम कढ़ाई रख दिए हैं, गैस भी ऑन कर दिया हमने। अब इसमें हम तेल डालेंगे। यहाँ पे हमें 2 बड़े चम्मच तेल लेने हैं। यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे। प्याज को हम थोड़ी देर भुनेंगे। अब यहाँ पे हम हरी मिर्च डालेंगे। प्याज हमारा थोड़ा सा भुन गया है, तो हम यहाँ हरी मिर्च डालेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही ब्राउन करना है, क्योंकि पास्ते में प्याज काला काला दिखेगा तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगा। यहाँ पे हम टमाटर डालेंगे। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे। अब यहाँ इसे हम मिक्स करेंगे। थोड़ी देर टमाटर को गलने देंगे। यहाँ पे टमाटर बिल्कुल ही गल के तैयार है। तो यहाँ अपने मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हमने 1/2 चम्मच हल्दी ले लिया है, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम मिक्स करेंगे। हम पास्ता बनाने के लिए बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पास्ते को उबाल रखा है, उसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम पास्ता डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पास्ता कितना खिला खिला है, बिल्कुल ही सॉफ्ट पास्ता हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। थोड़ी देर चलाते रहेंगे। यहाँ हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। आप चाहे कर सकते हो, पर हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। हमारा पास्ता बिल्कुल ही अच्छा दिख रहा है, कलरफुल पास्ता। यहाँ पास्ता बनके तैयार हो गया। अब इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे। अब हम गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो पास्ता कितना बढ़िया बना है। पास्ता आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपका है एक भी। बच्चों का फेवरेट पास्ता होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा पास्ता बिल्कुल भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही।